दोस्तों, स्मार्टफोन का इस्तेमाल आजकल कौन नहीं करता। हम में से सभी लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो हम उसमें कई फीचर्स देखते हैं, जैसे कि मोबाइल में रैम कितनी है, इंटरनल स्टोरेज कितना है, इसका प्रोसेसर कौन सा है, कैमरा कितना है। लेकिन कई लोग मोबाइल में स्क्रीन नहीं देखते, डिस्प्ले नहीं देखते कि मोबाइल में किस टाइप का डिस्प्ले डला हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोबाइल के डिफरेंट डिस्प्ले, जैसे कि TFT डिस्प्ले हो गया, IPS LCD डिस्प्ले हो गया, OLED हो गया, AMOLED डिस्प्ले हो गया, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन सा डिस्प्ले अच्छा होता है और किस डिस्प्ले का मोबाइल आपको खरीदना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सारू आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। नंबर वन, IPS LCD डिस्प्ले। IPS LCD डिस्प्ले का फुल फॉर्म है इन प्लेन स्विचिंग। इस तरह का डिस्प्ले बहुत ही पॉपुलर है और ज्यादातर स्मार्टफोन के अंदर इसी तरह के डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के डिस्प्ले में आपको अच्छे कलर्स मिलते हैं, एक्यूरेट पिक्चर क्वालिटी मिलती है, HD क्वालिटी मिलती है, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल के अंदर जो भी फोटोज, वीडियोज या फिर पिक्चर्स देख पाते हैं अच्छे रंग में, वो सब आप इसके अंदर आसानी से देख सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा इस तरह के डिस्प्ले में आपको एंगल व्यू भी काफ़ी अच्छा मिलता है। यानी अगर आप अपने मोबाइल में कोई भी पिक्चर देखते हैं दूसरी साइड से ऊपर नीचे करके, तो ऐसे में आपको एक्यूरेट वही कलर दिखाई देता है जो उसका रंग है। तो आइए इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लेते हैं, जिसके बाद आपको IPS LCD डिस्प्ले के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। IPS LCD डिस्प्ले की खासियत यह है कि इसमें आपको पिक्चर क्वालिटी बेस्ट मिलती है, साथ ही बेटर डिस्प्ले मिलता है। यही नहीं, अगर आप IPS LCD डिस्प्ले पे उंगली से दबाओगे तो इसका कोई भी रंग नहीं फैलता। इसके अलावा ये बहुत कम बैटरी खाता है, जिससे आपके मोबाइल की जो बैटरी लाइफ हो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। IPS डिस्प्ले काफ़ी महंगे होते हैं दूसरे डिस्प्ले के मुकाबले। इसके अलावा IPS डिस्प्ले थोड़े मोटे होते हैं दूसरे डिस्प्ले के मुकाबले। यही नहीं, IPS डिस्प्ले में आपको एंगल व्यू भी काफ़ी अच्छा मिलता है। नंबर टू, TFT डिस्प्ले। TFT डिस्प्ले का पूरा नाम है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये डिस्प्ले काफ़ी कॉमन है और लगभग पुराने जितने भी स्मार्टफोन थे, फोन्स थे, उनमें TFT डिस्प्ले का ही इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह का जो डिस्प्ले होता है वो काफ़ी सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, एज कम्पेयर टू जो भी दूसरे डिस्प्ले आते हैं आज के समय में। आज के समय में आपको जितने भी सस्ते स्मार्टफोन मिल जाएंगे 4 से 5 हज़ार के बीच में, उनमें ज़्यादातर TFT डिस्प्ले का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के डिस्प्ले में जो भी पिक्सल होते हैं उसमें इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ना तो आपको अच्छा पिक्चर क्वालिटी मिलता है, ना ही आपको अच्छा आउटपुट मिलता है, जिससे आप अपने मोबाइल में एक बेहतर कलर में फिल्म या फिर फोटोज वीडियोस देख सके। TFT डिस्प्ले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सस्ता होता है और इसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। TFT डिस्प्ले आसानी से टूट जाता है। अगर आपका फ़ोन कभी गिर जाता है और आपके मोबाइल में TFT डिस्प्ले है, तो वो आसानी से टूट जाएगा। इसके अलावा TFT डिस्प्ले में आपको अच्छे कलर नहीं मिलते एज कम्पेयर टू IPS LCD डिस्प्ले। इसके अलावा TFT डिस्प्ले बैटरी बहुत ज़्यादा खाता है, जिसकी वजह से आपके मोबाइल में बैटरी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। TFT फोन का इस्तेमाल ज़्यादातर लो बजट स्मार्टफोनों के अंदर किया जाता है। नंबर 3, रेटिना डिस्प्ले। इस तरह के डिस्प्ले ज़्यादातर आईफोन, आईपैड के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं और इसकी खासियत यह है कि इससे निकलने वाली जो रोशनी है वो आपके आंखों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती दूसरे डिस्प्ले के मुकाबले। आपने देखा होगा मोबाइल में कई सारे ऐसे डिस्प्ले होते हैं जिसमें हम कोई पिक्चर देखते हैं, कोई फोटोज वीडियोज देखते हैं, तो उसकी जो रोशनी है वो हमारे आंखों को चुभती है। लेकिन रेटिना डिस्प्ले में ऐसा नहीं है, इससे निकलने वाली जो रोशनी है वो हमारे आंखों को बहुत कम चुभती है। रेटिना डिस्प्ले की खासियत यह है कि इसमें आपको बेटर पिक्सल डेंसिटी मिलता है, साथ ही आपको बेटर कलर मिलता है, जिससे आप अपने मोबाइल में पिक्चर का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा रेटिना डिस्प्ले से निकलने वाली रोशनी आंखों को बहुत कम चुभती है। रेटिना डिस्प्ले काफी महंगे होते हैं दूसरे डिस्प्ले के मुकाबले। नंबर 4, OLED डिस्प्ले। OLED डिस्प्ले का पूरा नाम है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले। इस तरह के डिस्प्ले की खासियत यह है कि इसमें आपको हाई ब्राइटनेस मिलता है, बेटर कलर मिलता है, बेटर व्यू एंगल मिलता है। यही नहीं, इस तरह के जो भी डिस्प्ले होते हैं मोबाइल के अंदर वो बहुत ही कम पावर कंज्यूम करते हैं, जिससे आपके जो मोबाइल की बैटरी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है और आपके मोबाइल में जो बैटरी है वो काफ़ी कम खर्च होता है। OLED डिस्प्ले की खासियत यह है कि इस तरह के जो डिस्प्ले होते हैं वो LCD डिस्प्ले से काफ़ी अच्छे होते हैं और इनमें बेटर रिस्पॉन्स टाइम होता है। OLED डिस्प्ले में लो पावर कंजम्पशन होता है, जिससे आपके मोबाइल की बैटरी लाइफ बढ़ जाती है। OLED डिस्प्ले में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है दूसरे डिस्प्ले के मुकाबले। OLED डिस्प्ले में अगर किसी भी तरह का पानी पड़ जाता है तो ये आसानी से खराब हो जाता है। नंबर 5, AMOLED एंड सुपर AMOLED डिस्प्ले।
एमोलेड डिस्प्ले ओलेड डिस्प्ले का एडवांस वर्जन है, और इस तरह के डिस्प्ले की खासियत यह है कि इसमें जो भी पिक्सल होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से आपको रिच कलर, शार्प इमेज और बेटर व्यू एंगल के साथ साथ बैटरी कंजम्पशन भी बहुत कम मिलता है, जिससे आपके मोबाइल में जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है और काफ़ी देर तक बैटरी चल पाता है। इस तरह के डिस्प्ले यानी एमोलेड डिस्प्ले को बेसिकली TFT डिस्प्ले और ओलेड डिस्प्ले और LCD डिस्प्ले से काफ़ी बेहतर माना जाता है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले का एडवांस वर्जन है, इसमें आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी, शार्प इमेज और रिच कलर के साथ साथ पावर कंजम्पशन काफ़ी हद तक कम मिलता है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले को आप धूप में आसानी से एक्सेस कर सकते हो एज कम्पेयर टू एमोलेड डिस्प्ले। आपने देखा होगा आजकल आईफोन 10 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो आईफोन 10 में बेसिकली सुपर एमोलेड डिस्प्ले का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह का जो डिस्प्ले होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है दूसरे डिस्प्ले के मुकाबले। इस तरह के डिस्प्ले की खासियत यह है कि इसमें आपको लो पावर कंजम्पशन मिलता है, साथ ही आपको थिन डिस्प्ले, रिच कलर और शार्प इमेज मिलता है। इस तरह के डिस्प्ले में आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट और रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। इसके साथ ही इस तरह के जो डिस्प्ले होते हैं वो पानी से आसानी से डैमेज हो जाते हैं यानी खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे अलग अलग प्रकार के मोबाइल डिस्प्ले। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा डिस्प्ले अच्छा होगा आपके मोबाइल के लिए और किस तरह के डिस्प्ले का मोबाइल आपको लेना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बस यार इस वीडियो के बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना, और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक करके और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पा सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।